तुमसे ही ना। गाड़ियाँ देखो ये देख कितनी छोटी छोटी है। वो रहा मम्मा वो देखो देखो बाबा तीन। हाँ वो देखो साइड व्यू देखो कितना अच्छा है। गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, मुझे छाता लेना पड़ा। सब बड़ा मस्त मौसम है। नहीं स्किप कर दियो। हम लोग कहाँ आए, कौन सी जगह है? अच्छा प्लांट्स यहाँ आए हम लोग। नहीं आएंगे आप, हम बहुत सही से ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए पक्का ये सारी वीडियो पार्ट वन पार्ट टू में जाएगी, क्योंकि एक दिन में इतना सब कुछ कवर करना और इतनी सारी क्लिप हो जा रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोग। इस साइड से भी रास्ता है अंदर अंदर। हल्के हल्के हम लोग कहीं भीग ना जाए, बोले थे अम्ब्रेला ले लो, नहीं लिए कल। कितनी बार सॉरी बोला तुम उसको। बाकी ये लोग बेवकूफ है, हम ही दो सर सिर्फ समझदार है। हम लेकिन इसको बोले कि बोले थे कि नहीं? हाँ बोले थे। चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ का हम लोगों ने गोलगप्पा टेस्ट किया तो बहुत पानीपुरी बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। दिल्ली का तो सबसे बकवास है ना वो, वहाँ बारिश हो रही है धीरे-धीरे सी। जाना है तो खाली वही चाहिए, बर्फ़ी एरिया। बर्फ़ हाँ वापस मिलेगा थोड़ा। वहाँ तो ऐसा कपड़ा नहीं होगा ना, जैकेट वगैरह पहनने से ठंडा होगा। 50 किलोमीटर 50 तक तो जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाएगा ट्रैफिक की वजह से। मेरे को यहाँ बस वालों को मतलब मनाली में भी वाइब था, पर यहाँ का वाइब कोई नहीं लगा कहीं पर। यहाँ वाला वाइब भाई प्लीज बारिश हो जाएगी प्लीज भगवान प्लीज। यकीन नहीं हो रहा, मैं सब रील्स में देखते थे काफी बार है। वहाँ काफी भीड़ है यार, छोटा सा है ना सिक्किम तो, एक दिन घूम पाए। हाँ ये शुरू से सब हम भी देखे थे, दूरी सब हुआ था कि एक दिन में घूम लेते, एक दिन घूम लेता था। चल दर्शन कर लो, दर्शन भी कर लो। गाइस ये मंदिर है और मंदिर पे वर्षा गई और बाकी के जितने दोस्त थे वो लोग गए, मैं नहीं गई हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह का मार्केट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गई। धीमी धीमी से बारिश हो रही है, इतना सही हो गया ना यहाँ का वेदर, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब
यार मैं सच बोल रही हूँ, मतलब गैंगटॉक ऐसा जगह है कि आप एक दिन में ही सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आपको नथुला और पिलिंग वगैरह जाना है, पिलिंग जो भी पिलिंग शायद है जहाँ पर ग्लास ब्रिज है, तो वो सब अगर आपको एरिया जाना है तो आप वहाँ के लिए मतलब एक दो दिन यहाँ पर ले सकते हो, वरना एक दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा गैंगटॉक। इस तरह का है, बहुत सामने सामने सारी चीज़ें हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही सब आसपास में है। लेकिन यहाँ फॉल्स बहुत अच्छे अच्छे, मतलब इतने अच्छे अच्छे फॉल्स हैं, क्या बोलूँ। मेरा वीडियो इतना अच्छा अच्छा मैंने इंस्टाग्राम के लिए लिया है ना, आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करना। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड का भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, फ़ोटो वाले भैया करके शायद हैं, तो उनकी उनको भी आप लोग फॉलो करना। मैं उनका आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, तो वो भी मेरे भाई जैसे ही भैया ये समझ लो, तो उनको भी प्लीज़ आप लोग फॉलो करना और देखना, बहुत अच्छे हो मतलब फ़ोटो क्लिप वगैरह लेते हैं। और मेरी फ्रेंड है समरा, वो भी आपको मेरी फॉलोइंग में दिख जाएगी, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ के। मनाली में भी इतना सुकून नहीं था जितना यहाँ पर है। पूरा वेदर का मजा यही ले दिया। धीरे धीरे पढ़ो। तो गाइस ये हनुमान टॉक, ये यहाँ पर गई है वर्षा लोग, मैं तो नहीं जाऊँगी इसलिए मैंने गई। आ रहे एक मिनट में आ रहे। तो वो लोग गई है इधर, यहाँ पर शूज वगैरह उतारने का जगह, बट मैंने गई हूँ क्योंकि मंदिर है इसलिए मैंने गई हूँ। अच्छा व्यू होगा वहाँ का, फ़ोटो वगैरह तो खिंचाएगी। और यहाँ पे मंदिर है,
बट मैं नहीं गई हूँ। वैसे तो सामने जा सकती थी, इस एरिया पे जा कर के जा सकती थी, बट ठीक है अब रोपवे में जाना है। गाइस अंदर तो मैं नहीं गई हूँ, अब एक ही बार रोपवे में जाऊँगी और जा कर के हम लोग घूमेंगे। लास्ट हमारा रोपवे, उसके बाद फिर रूम में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कब पहुँचते हम लोग। गाइस हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके, कैफेटेरिया। मतलब ना यहाँ बोलते नहीं है, लग रहा है कि आसमान और ये पहाड़ एकदम मिला हुआ मिक्स है ऐसा एक दूसरे में। हाँ ओल्ड ओल्ड सॉन्ग रखे पूरा सामने मेरा चेहरा यार गजब बोल रहा है। डर भी लग रहा है, अरे डर लग रहा है मतलब पहले नहीं लग रहा था पर अब थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। ये बोले थे कि हमको पहले नहीं जा सकते मोबाइल भी है तो दोबारा मिल रही है आपका तो मोबाइल कई बार दी हम लोग का बताओ हम लोग का बताओ। हेलो देखो वो देखो वो देखो पूरा गैंग वीडियो देखकर मैं नहीं देख पाऊं।
साइड से कर रहे थे तुम आगे इधर इधर तू भी सामने रखो मार्च तो जा जाती तुम आओ जा कुछ तो एंटरटेन नहीं लगता लोग बहुत ऐसा डर लगे वैसा डर गाड़ियां देखो इधर कितनी छोटी छोटी है वो रहा मम्मा वो देखो देखो बाबा तेल हां वो देखो क्या देखो तेल तेल टेंक क्या मेरा टेंक में डाल दिया अब वो तो है इतनी दूर बस बस तो नहीं गया वाला पुल आए थे ना रास्ते में पड़ा था मम्मा जी देखो एक और बस पापा पापा हमको देखो एक और बस क्यारी जैसे है ना हम लोग की वैसे अंकल की भी है साइड व्यू देखो कितना अच्छा है वो मम्मा के अंदर अब तो गाड़ी के नीचे वाले ग्लास और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए तो ये इधर भी रुको ना अब एक चैट आ गया काट दे डाल दे एक ही दो केबल है सब तो मुझे डर हो गए इधर के देख लिया अरे वाह इस साइड से अच्छा आएगा दोबारा वाना है दोबारा एक ही जगह पे दो बार आएंगे कहीं और चलेंगे सही बात है पहाड़ियों में एक ही बार होता है अब और आप में आएंगे बोल के आते हैं मैं गप्पू लेके आया हूं हां गप्पू लेके आया हूं यार ले आना गप्पू बात जाएगा स्वाति उस टाइप से बड़ा जवाना बदल वो देखो आदि दूर तक आप दूर तक इधर यही उधर देखो इधर इधर देखो तेरे को मजा आया मेरा बैंड बच गया अम्मी डरा रही थी बहुत ज्यादा इसलिए डरते 4 महीने पहले अच्छा मैं एग्जिट यहाँ से दे दिया कंफ्यूज हो जाएगा इंसान डर बहुत ज़्यादा लगा चलो ना हमें मज़ा आया ना हमें डर लगा इतना गंदा वाला डर मतलब इतनी हाइट पे है कि किसी को भी डर लग जा मैं बिजली झूला वगैरह झूलती हूँ फिर भी मुझे डर लग गया था और उल्टा हो गया वर्षों को लगना चाहिए था पर उसको नहीं लगा आ गए मुझे बोल यही में ले दी सर सामने खड़ा हुआ मैंने इसके पीछे अम्मा के थे इसके पीछे अम्मा के थे मेरे बगल में स्कूल देख रही थी मास्क लगाया वाली बैग पागल हम तो जान में कितने पता है उसके साथ साथ चल रहे हैं
तुम्हें तो आधा ही आ रहा है यार। हम लोग खान अंकल बिरयानी हाउस में थे। में तुमको हम देखे हैं। गुड फूड फॉर गुड मूड। अभी भी हम लोग यही जा रहे हैं। देखिए पर इसमें भी नेट है शायद। सब नेट कुछ ज़्यादा ही सुंदर नहीं लग रहा है ये सब। अरे क्या क्या लिखा है शॉप का भी ले लेते हैं। गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, मुझे छाता लेना पड़ा था। बड़ा मस्त मौसम है, धीमी धीमी से बारिश है। अभी स्पीड हो गई थी फिर अभी स्लो हो गई है। इतनी ठंडी, अच्छा हो ना डेनिम पहन लिया। कल रात में हम दिखाए थे, बारिश स्पीड हो रही है। कितना सुंदर लग रहा है ये पोस्टर, नहीं लगता तो और सुंदर लगता पता है। मतलब हर जगह आपको फौजी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो गाइस मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है और हम लोग होटल आ गए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और इतना अच्छा मौसम है ना यहाँ का, क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, कुछ चीज़ें लेकर के आई थी यहाँ पर एम जी मार्ग रोड जो है वहाँ से, मतलब मार्केट लगता है यहाँ पर, तो वो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद ये वीडियो को मैं एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।